लड़ाई पर लगी मोहर खत्म नहीं, जारी है रोहित कोहली की लड़ाई। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच रिश्ते इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद से ही जगह जगह पर दोनों दिग्गजों के बीच दूरियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय कप्तान ने इन सब बातों को अफवाह बताते हुए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से एक जारी वीडियो में विराट और रोहित के बीच दूरियां साफ दिखी। इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें टीम इंडिया फ्लोरिडा से रवाना होने से पहले कैरिबियाई टीम से मिल रही है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। यह नज़ारा कुछ वैसा ही था जैसे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद कोहली टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ से तो मिले, फिर विराट प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए रोहित शर्मा से बिना मिले उनके पीछे निकल गए थे। सोशल मीडिया पर लगातार देखी जा रही है तकरार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां बनने की खबर आने लगी थी। इसके बाद से रोहित शर्मा के बारे में जो खबर आई थी वो ये थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया और उनसे पहले उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी अनफॉलो कर दिया। इन सब के बीच एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि टीम इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो गुटों में बंटकर खेली थी। पहला ग्रुप विराट कोहली का था, वहीं दूसरा रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के गुट के खिलाड़ियों को विराट कोहली और रवि शास्त्री के फैसले नागवार गुजरे। कई मौकों पर रोहित ने कोहली के फैसलों पर नाराजगी जाहिर की, इससे दोनों के बीच अनबन बढ़ती चली गई। इन सब के बीच एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि टीम इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो गुटों में बंटकर खेली थी। पहला ग्रुप विराट कोहली का था, वहीं दूसरा रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के गुट के खिलाड़ियों को विराट कोहली और रवि शास्त्री के फैसले नागवार गुजरे थे। कई मौकों पर रोहित ने कोहली के फैसलों पर नाराजगी जाहिर की थी, इससे दोनों के बीच अनबन बढ़ती चली गई।